आज मैं एक बहुत इजी नॉनवेज थाली बनाऊंगी। एक्चुअली बंगाली थाली है, क्योंकि कोई चिकन मटन वगैरह नहीं है, फिश थाली है। बहुत सिंपल सा मेन्यू है। फिश करी बनाएंगे आलू बैंगन डाल के, और पाइनएप्पल की चटनी ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी है। कलौंजी डाल के बैंगन फ्राई बनाएंगे, आलू भजा यानी पोटैटो फ्राइज बनाएंगे, मसूर दाल बनाएंगे। चलिए इसकी तैयारी मैंने शुरू कर दी है। मैं सबसे पहले चावल भिगा ले रही हूँ, और मैंने आलू और बैंगन को थोड़े थोड़े पीसेस काट लिए थे, बट मैं उसको बाद में उस हिसाब से करूँगी। अब मैं मसूर दाल थोड़ी डाल रही हूँ, उसको धो लिया मैंने अच्छे से। अब मैंने उसमें पानी डाल दिया है। अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैंने चावल भी भिगा दिया स्टार्टिंग में सबसे पहले, क्योंकि चावल फिर भीगे रहेंगे तो हमको मतलब गैस वगैरह भी कम यूज़ होती है। देखिए, मैं मसूर दाल में डालने के लिए मैंने सिर्फ टोमेटो को हाफ चॉप करके डाल दिया है। इससे क्या होगा, अगर आप छिलका निकालना चाहें तो बहुत ईजी हो जाएगा बाद में छिलका निकालने में टोमेटो को। फिर मैंने थोड़ी सी हल्दी और नमक डाल दिया है, और मैं इसको अभी सीटी 3 विसल तक सीटी लगाऊंगी। या अगर आप उबाल रहे हैं तो अराउंड आपको 15 से 20 मिनट आप इसको हाई फ्लेम पे उबालें। अब देखिए, मैं बैंगन को ना फ्राई करने के लिए छोटे छोटे स्क्वायर क्यूब्स में काट रही हूँ। इससे क्या होगा ना, मतलब बहुत कम तेल लगेगा। वैसे तो बंगाली बैंगन फ्राई राउंड भी होता है। ये एक्चुअली मेरी नानी की एक रेसिपी है जो मेरी नानी को बहुत पसंद है। इसमें क्या होता है, ये जल्दी फ्राई हो जाती है बैंगन, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका, एक अलग टेस्ट आता है। और पूरे मंगरेल का जो टेस्ट बोल सकते हैं या कलौंजी का जो टेस्ट बोल सकते हैं वो आता है। तो देखिए, छोटे छोटे पीसेस में मैं काट रही हूँ। मैंने पहले बैंगन को ना ऐसे ही मतलब एक जुविनाइल शेप्स नहीं बोल सकते आप एग्जैक्टली, मैंने लंबे लंबे शेप्स में काट के पानी में भिगो दिए थे। क्योंकि बैंगन और आलू अगर आप ऐसे ही रख देंगे तो वो काले लाल लाल होने लग जाते हैं, और आलू काला होने लग जाता है। तो मैंने दोनों को पानी में भिगो दिया था। अब मैं उसको पानी से निकाल के कट कर रही हूँ। अब देखिए, एक टमाटर मैंने ले लिया है, ये मैं फ़िश करी में डालने के लिए यूज़ करूँगी, तो मैंने चॉप कर लिए ऑलरेडी। अब वेजिटेबल्स में पहले चॉप कर रही हूँ। मैंने यहाँ दाल बिठा दी है, तो जब तक डालोगी अब हम फ़िश मैरिनेट करेंगे। वैसे मैंने सारी जो जैसे मैं बना रही हूँ मैंने पूरे प्रोसेस आपको शेयर कर दिए है रिटर्न में, आप ज़रूर उसको देखें। अब देखिए, फ़िश को मैरिनेट करने के लिए मैं थोड़ा ऑयल, 2 हरी मिर्च, हल्दी और नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सैल्मन फिश है जो यहाँ बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। इसके बाहर के शेल्स मैंने क्लीन कर लिए थे, और मैं अभी इसको अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ। अब मैरिनेट करके मैं रख दूँगी, ताकि जब तक मेरा दूसरी दाल वगैरह और सब्ज़ी फ्राई वगैरह बन जाए तो फिश अच्छे से नमक और हल्दी इसमें चला जाए। और तेल ज़रूर डालें, तेल ना ही भूलें, नहीं तो आपका फ़िश फ्राई ना बहुत ड्राई ड्राई बनेगा। तो मेक श्योर कि आप तेल बहुत डालें, तेल 1 चम्मच 2 चम्मच ज़रूर डालें। इससे क्या होगा ना, आपका फ़िश फ्राई बहुत सॉफ्ट और एक अच्छा टेक्सचर आएगा फ़िश को। अब देखिए, दाल में 3 सीटियाँ आ गई हैं, तो हम इसे बंद कर देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे चक्र घूमता है ना हमारे जीवन का, वैसे ही ये खाने का यहाँ घूम रहा है। तो चलिए, फ़िश करी की विधि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अब फ़िश करी तो मैरिनेशन ऑलरेडी हमने कर लिया है, और इसके लिए मैं थोड़े से बैंगन और आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बैंगन आलू झोल बोलते हैं, बहुत फेमस है एक्चुअली बंगालीज, बहुत घर में ये खाया जाता है। बट हाँ, ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि सबके घर पे सिमिलर बनता है, सबके घर की अलग अलग खूबियाँ रहती हैं और सबके घर की अलग अलग ये होते हैं, तो सबके घर में अलग बनता है, ये मेरे घर का रेसिपी है। अब मैंने पोटैटो फ्राइज़ के लिए बहुत पतले पतले पोटैटोज़ काट लिए थे, और फिर मैंने उसमें हल्की सी हल्दी और नमक डाल के उसको मिक्स करके रख दिया था। अब जो एक्सेस पानी रह गया उसको मैंने छोड़ दिया, और ऐसे हाथ से ही छान के मैंने उसमें धीरे धीरे गरम तेल में डाल दिया है। अब इससे क्या होगा ना, बहुत क्रंची पोटैटो बनेगा, बहुत यमी लगता है ये खाने में। और देखिए, साइड में मैंने दाल के तड़के के लिए बहुत सिंपल तड़का हम डालेंगे, मेथी का तड़का, राई का तड़का और 2 सूखी मिर्च का तड़का। बहुत ही इजी तड़का है, बहुत यमी लगती है ये दाल। और हम कोई भी आज प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे किसी में भी अदरक प्याज लहसुन नहीं पड़ा है, तो आप देख सकते हैं। बस मेथी और 2 सूखी चिली का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, ड्राई चिली का।
और इसी का तड़का लगा देंगे हम। अब देखिए वो पोटैटो को हम फ्राई करेंगे हल्का सा, जैसे गोल्डन कलर आने तक। आप ज़्यादा क्रिस्पी भी कर सकते हैं, वो भी बहुत यम्मी लगते हैं। मैं मीडियम क्रिस्पी और मीडियम सॉफ्ट कर रही हूँ, बट वो क्रिस्पी ही बन जाते हैं बाद में, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो इसको आप घी राइस के साथ हम जैसे क्या करते हैं, थोड़ा सा घी लेके उसमें नमक और हरी मिर्च एक डाल के उसके साथ ये पोटैटो फ्राइज खाते हैं, तो ये बहुत एक यम्मी लगता है खाने में। अब देखिए दाल में मैंने तड़का डाल दिया है और अभी मैंने थोड़ा दाल को फिर घो चला दिया है और फिर मैं इसको ढक दूँगी ताकि तड़के की स्मेल ना चले जाए। और बस फिर 5 मिनट इसको बॉईल होने देंगे अच्छी फुल गैस पे और फिर मैं दाल बंद कर दूँगी। अब देखिए पोटैटो अच्छे से मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ, एक्चुअली देखें आप कैसे कलर आ गया है, बहुत प्यारा से कलर आ गया है। अब आप इसको निकाल लें। अब हम इसी तेल में ना जो हमने पोटैटो और ब्रिंजल काटी थी ये फ़िश फ्राई के लिए, तो वो हम डालेंगे। अब देखिए फ़िश फ्राई की ना जो रेसिपी है वो मैंने 2 बार शेयर की है, स्टार्टिंग में भी, इनिशियली जब मैरिनेशन कर रहे थे तब शेयर की है और बाद में भी शेयर की है। बहुत इजी सी रेसिपी है बट एक्चुअली ये पूरा मील कुक हो रहा है तो मैं आपको प्रॉपर दिखा रही हूँ, बट स्टेप्स आपको धीरे धीरे आ रहे हैं, मतलब जो जब हम बना रहे हैं तो ऑफकोर्स। अब देखिए वो जो हल्दी नमक था ना बचा हुआ उसी में मैंने मैरिनेट करके मैरिनेट और क्या वो जस्ट लगा के हमने उसको फ्राई कर लिया है हल्दी नमक से, जिससे क्या होगा ना ब्रिंजल और पोटैटो को एक बहुत अच्छा स्वाद भी आएगा। देखिए हम फ्राई कर रहे हैं और मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखा है, बहुत पतला मत काटे और बहुत मोटा भी मत काटे कि नहीं आपका ब्रिंजल और ये फ्राई ही ना हो। अब देखिए मैं फ़िश का एक मसाला बना रही हूँ, मसाला मिक्स, इसमें मैंने हल्दी, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिया है, बस चारों मसाले का पाउडर एक एक चम्मच और पानी में मैंने घोल लिया है, बहुत सिंपल सा है। अब देखिए ब्रिंजल पहले फ्राई हो जाते हैं तो ब्रिंजल मैं निकाल ले रही हूँ और पोटैटो थोड़े बाद में निकाल रही हूँ। अब यहाँ देखिए हमारी दाल तो तैयार हो गई है, हमारी आलू फ्राई जो थी वो भी तैयार हो गई हैं। अब हम जो हमारी फ़िश करी है उसके लिए भी पोटैटो और ब्रिंजल फ्राई हो गई है। अब हमारा बचा है ब्रिंजल फ्राई, कलौंजी डाल के जो ब्रिंजल फ्राई हम बनाएंगे वो बचा है और हमारी फ़िश करी बची हुई है। अब देखिए मैंने थोड़ा सा ऑयल उसमें से निकाल लिया था क्योंकि उतना ऑयल तो लगेगा नहीं। अब फ़िश मैं फ्राई कर रही हूँ, संभाल के हम कर रहे हैं क्योंकि हमने चिलीज़ डाली है ना तो वो फूट सकती है, तो इसलिए। अब देखिए यहाँ पे साइड बाय साइड मैं अपनी ब्रिंजल फ्राई के लिए पैन गरम कर रही हूँ, मैंने कलौंजी डाल दी है। देखिए कलौंजी के वैसे बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी में, आपका कोई पेन वगैरह हो रहा हो तो वो बंद हो जाता है, आपकी बॉडी बहुत रिलीफ होती है कलौंजी से, तो ये बहुत एक अच्छी डाइट में बहुत इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सीड्स हैं और बंगाली क्यूजीन में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अब देखिए मैंने 2 ग्रीन चिली डाली है, अगर आप तीखा खाना ना पसंद करें तो आप ना डालें, तो वैसे इतनी तीखी नहीं थी मिर्च तो मैंने 2 डाल दी। अब देखिए फ़िश मैं हल्के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर रही हूँ क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा कड़क फ्राई नहीं करनी है क्योंकि हम करी बना रहे हैं। अगर आप फ़िश फ्राई ऐसे ही खाना चाहें तो आप थोड़ी और कड़क करके निकाल सकते हैं। अब देखिए ब्रिंजल के जो क्यूब्स थे मैंने वो डाल दिए, स्क्वायर क्यूब्स जो थे, और मैंने हल्दी और नमक डाल के इसको चला दिया है। अब हम ब्रिंजल को ना धीरे धीरे फ्राई होने रखेंगे, एक्चुअली वो जो गैस है वो थोड़ा सा फ्लेम, मतलब ये तो सारे आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिकल सारे हैं तो ये थोड़ा टाइम भी लगता है कुक होने में, जैसे हमारे यहाँ तो गैस में कुक होता है तो वो जल्दी पक जाती हैं सारी सब्ज़ियाँ वगैरह, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है करने में, ये जैसे इंडक्शन जैसा ही काम करता है, तो आप बहुत ज़्यादा हाई कर दे तो फिर जलने लगती है सब्ज़ियाँ वगैरह बट अंदर से नहीं पकती है, तो इसलिए आराम से ही कुक कर रहे हैं। और फ़िश देखिए मैंने निकाल लिया है। अब फ़िश करी के लिए बहुत सिंपल है, 1 तेज़पत्ता मैं लूँगी और थोड़ी मंगरेल। देखिए अब मैंने 1 तेज़पत्ता डाल दिया है और जो हमने मसाला का मिक्स किया था ना वो हम इसमें डाल देंगे। देखिए कितना प्यारा वो तड़का आया ना, आपने देखा पूरा धुआंधार तड़का आया है। मेरी मम्मी ज़रूर बोलती हैं कि अगर ऐसे तड़का आता है ना तो आपका सब्ज़ी या जो भी आप बना रहे हैं दाल वगैरह बहुत अच्छी स्वादिष्ट होती है। देखिए मैंने टमाटर उसमें ऐड कर दिए हैं, अब मैं थोड़ा सा नमक डाल के ना उसको ढक दूँगी ताकि मसाला अच्छे से पक जाए, और जल्दी भी पक जाता है ना अगर आप ढक देते हैं तो।
अब साइड बाय साइड मैं बैंगन भी यहाँ पे कर रही हूँ। जब आप घर के लिए खाना बनाते हैं तो आप देखिए, मतलब आप बहुत फास्ट कुकिंग करते हैं, बट इतनी भी फास्ट नहीं जितना अभी दिख रहा है, क्योंकि इतनी स्पीड में कुकिंग तो करनी ही पड़ती है अगर आप कर रहे हैं तो। देखिए अभी आपको दिख रहा होगा टमाटर अच्छे गल गए हैं, मैं थोड़े स्मैश भी कर दे रही हूँ कि जल्दी हो जाए, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं होता है हम लोगों के पास। अब आप देख रहे होंगे, देखिए मसाला अच्छे से पक गया है, बहुत अच्छा फ्राई हो गया है। अब मैं वो जो ब्रिंजल और पोटैटो मैंने डाले हैं वो मैं अभी ऐड कर रही हूँ। अगर बाई चांस नहीं कुक हुए होंगे तो यहाँ कुक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, फ़िश के साथ भी साथ ही में डाल सकते हैं, मैंने अभी डाल दिया है। और वैसे भी 5 मिनट बाद ही मैं उसमें गर्म पानी डाल के फ़िश भी ऐड कर दूँगी, तो ऐसे कुछ बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको लगे कि आपको पोटैटो फ्राई नहीं हुआ है तो फिर आप कर सकते हैं। देखिए फ़िश मैं डाल रही हूँ, अब मैं थोड़ा सा ना गर्म मसाला भी इसमें डालूँगी, उससे क्या होगा ना बहुत एक बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा हमारे फ़िश करी को। अब देखिए फ़िश करी मैं ऐसे बना रही हूँ, थोड़ा गाढ़ा ही बना रही हूँ, बहुत पतला। एक्चुअली इसमें हमने कोई मसाला, वैसे तो प्याज लहसुन कुछ भी यूज़ नहीं किया है, तो बहुत अच्छा एक पतला सा जो झोल बोलते हैं हम फ़िश करी का झोल, वैसे टिपिकल बंगाली झोल है, आलू बैंगन से बनाना, आलू बैंगन एक्चुअली बैंगन यानी बंगाली में बैंगन बोलते हैं। अब देखिए आपको दिख रहा होगा फ़िश बहुत अच्छे से डिप हो गई है, और यहाँ पे हमारे ब्रिंजल भी रेडी है। अब हम ब्रिंजल निकाल लेंगे और फ़िश को फुल आंच पे बॉईल होने रख देंगे, ताकि ना फ़िश जो पूरा करी का टेस्ट है वो ले ले। अब इसको एक्चुअली झोल ही बोलते हैं, क्योंकि ये ना बहुत पतला होता है और मतलब गाढ़ा होता है, बट वैसे नहीं होता है जैसे अदरक लहसुन और प्याज डाले तो आप बहुत गाढ़ा होता है ना मसाला, वैसे नहीं होगा। ये टिपिकल बंगाली झोल होते हैं जो पतले होते हैं और बहुत यम्मी भी होते हैं खाने में। इसमें क्या होता है ना, आपको पूरा जो फ़िश का स्वाद है वो आएगा। अगर आप प्याज लहसुन डालेंगे तो प्याज का ही स्वाद रहता है, तो इसलिए हम लोग ऐसे ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जैसे बहुत पुरानी फ़िश हो जाए, तो मतलब जैसे अगर आप लाए हैं और 3-4 दिन की फ़िश हो गई है, फ्रीज में रखी हुई है, तो आप प्याज लहसुन से बनाएं तो ठीक है, बट फ्रेश फ़िश है तो आप ज़रूर ऐसे बनाएं। अब देखिए मैं दिखा रही हूँ, ब्रिंजल फ्राई हो गई है, पोटैटो फ्राइज हो गए हैं, हमारी फ़िश भी फ्राई हो गई है, मैंने अभी चावल रख दिए हैं। मैं सिंपल चावल बना रही हूँ और मैं पानी निकाल दूँगी बाद में, मैं हमेशा ऐसे ही चावल बनाती हूँ। और देखिए हमारी कुकर में दाल भी रेडी है। चलिए मैं प्लेटिंग करके आपको दिखाती हूँ। अगर आपको मेरा थाली पसंद आए तो डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।